हाय गाइस, आज मैं रिवॉल्यूशन के पैलेट को 11 तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। और जो लोग स्टार्टिंग में फुल फेस मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस एक पैलेट को ख़रीद लें और उससे आप अपने फुल फेस का मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर बना रही हूँ। तो ऑरेंज करेक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना कोई भी फाउंडेशन ले लीजिए और उसमें ऑरेंज कलर का आई शेडो मिक्स कर दीजिए और आपका ऑरेंज करेक्टर रेडी है। इसको मैंने अपने डार्क सर्कल्स पे अप्लाई कर लिया है और फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। तो अब आपको अलग से ऑरेंज करेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपके फाउंडेशन का शेड थोड़ा सा लाइट है तो उसमें आप ब्राउन और ऑरेंज कलर की आई शेडो को मिक्स करके अपने शेड का फाउंडेशन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। आई शेडो मिक्स करने की वजह से अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप उसमें मॉइस्चराइजर भी मिला सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने कंसीलर को अपने अंडर आई एरिया पर अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। तो इस तरह से आप ऑरेंज आई शेडो को यूज़ करके अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर सकते हैं। अब मैं इस पैलेट में से एक लाइट कलर के शेड को लेके अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट कर लूँगी। इस तरह से आपके कॉम्पैक्ट पाउडर का काम भी इस पैलेट में से हो जाएगा। ब्रॉन्जर के लिए मैं यहाँ पर जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो शुगर के पैलेट के शेड से बिल्कुल सिमिलर है। तो गाइज, इसका स्वाच भी आप देख लीजिए। अब मैं अपने फेस पे डायमेंशन लाने के लिए ब्रॉन्जर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम भी अपने वीडियो में मेंशन करूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। उसके बाद मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी। उसके लिए मैं यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर का शेड यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं अपने हॉलोज ऑफ चीक्स को, नोज़ को और अपनी जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। अब मैं पैलेट में से एक पिंक कलर का शेड लूँगी जो कि शुगर के पैलेट से काफ़ी सिमिलर है और उसको अपने फेस पर ब्लश के जैसे यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने बेस मेकअप को सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया है। इस पैलेट में ब्राउन के काफ़ी शेड्स हैं और ब्लैक वाला शेड भी है, तो आप इनमें से कोई भी कलर्स को मिक्स करके अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। और आपको अपनी आईब्रोज़ के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई शेडो के लिए सबसे पहले मैं ट्रांजिशन शेड को यूज़ करूँगी और उसके लिए मैं वही वाला शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने ब्रॉन्जर के लिए यूज़ किया था। तो उसको मैं अपनी क्रीज एरिया पर ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद मैं एक छोटा ब्रश लेके उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं इसमें से एक पिंक कलर का शिमर लेकर उसे अपनी आईलिड पर फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं इसमें से ब्लैक कलर का शेड लूँगी और उसको एक ब्रश को गीला करके आईलाइनर के जैसे अप्लाई कर लूँगी।
और हाइलाइटिंग के लिए मैं इसमें से गोल्डन कलर का शेड लूँगी और उसे अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर्स को, ब्रा बोन को और अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूँगी। आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लिया है और फिर मस्कारा अप्लाई कर लिया है और हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। अब लास्ट में मैं इसमें से पिंक कलर का शेड लूँगी और मैंने अपने लिप्स पर लिप बाम ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो उसके बाद मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से अपने लिप्स पर इस कलर को अप्लाई कर लूँगी। तो इस तरह से गाइस मैंने इस पैलेट का मल्टी यूज़ किया और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।